हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मैं राहुल वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ। और हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन है, उसकी आवर्त सारणी में स्थिति के निर्धारण के लिए किस प्रकार से समस्याएं आई, क्योंकि हाइड्रोजन है इसके गुण प्रथम वर्ग के तत्वों से तथा जो सत्रह वर्ग का तत्व जो तत्व है उनसे समानता और ये भिन्नताएँ प्रदर्शित करता है, इसलिए हाइड्रोजन के ये स्थान देने के लिए समस्या आई थी। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के समस्थानिक है उनके बारे में, और हाइड्रोजन के निर्माण की विधियाँ, और हाइड्रोजन के जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, और हाइड्रोजन के जो उपयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। इनमें सबसे पहले प्रोटियम, इसे हम 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे ये नीचे जो वन है ये इसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, और जो ऊपर ये वन लगा हुआ है ये परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। परमाणु भार का मतलब होता है कि जो नाभिक का भार है वो परमाणु भार के बराबर होता है, ये वन के बराबर है, और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होगी। अतः प्रोटियम के अंदर एक परमाणु क्रमांक होने के कारण इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है, और इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इस समस्थान में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या एक है। जो साधारण हाइड्रोजन होता है उसके अंदर 99.98% जो प्रतिशत है जिसे हम हल्की हाइड्रोजन, या जो ये प्रोटियम है इसका दूसरा नाम हल्की हाइड्रोजन है, ये उपस्थित होती है। और ये जो समस्थानिक है स्थायी होता है, स्थायी होने का मतलब है इसका से नहीं होता है, जो हम रेडियो एक्टिव से होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। और जो ये प्रोटियम है ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है, और इसकी प्रकृति द्विपरमाणु गैस के समान होती है। दोस्तों, दूसरा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है वह है ड्यूटेरियम, और इसे हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ड्यूटेरियम की खोज है ये यूरे, ब्रिगवेड और मर्फी नाम के तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी। और इसका उपयोग हम भारी जल के अंदर भी करते हैं, जो भारी जल होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूटेरियम ही होता है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है वो पाया जाता है। और इसे 1s2 से या फिर कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर इसका एक तो परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉन की संख्या एक, और जो इसका परमाणु भार है ये दो होता है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस समस्थानिक में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या दो यानी नाभिक का भार, और जो परमाणु भार है ये 2.014 होता है, जो एटॉमिक मास यूनिट है उसके अंदर। और साधारण हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम की प्रतिशत मात्रा है ये 0.0156% होती है, यानी कि अति अल्प मात्रा के अंदर ये ड्यूटेरियम होता है साधारण हाइड्रोजन में, और ये समस्थानिक भी स्थायी होता है, यानी इसका भी रेडियो एक्टिव से नहीं होता है, और ये भी द्विपरमाणु का है, और ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। और जो इसका उपयोग है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग इसका तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में किया जाता है, यानी कि नए तत्वों की खोज के लिए, या कृत्रिम जो हम नए तत्वों का निर्माण करते हैं उसके अंदर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो तीसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक है यह है ट्राइटियम, इसकी खोज लॉजियर, ब्लिक और स्मिथ नाम के तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और इस समस्थानिक को 1s3 या फिर कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ एक इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या है, तीन इसका परमाणु भार है, परमाणु भार इसका तीन होने के कारण इसके अंदर से ये एक प्रोटॉन की संख्या निकालने पर दो न्यूट्रॉन बचते हैं। इस समस्थानिक में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, अतः इसकी द्रव्यमान संख्या तीन है, और जो इसका परमाणु भार है ये 3.016 एटॉमिक मास यूनिट है, और यह समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि अस्थायी है। प्रकृति में ट्राइटियम की अति अल्प मात्रा में यानी 10^-17%, यानी अति अल्प मात्रा के अंदर प्रकृति के अंदर ये ट्राइटियम पाया जाता है, और रेडियोएक्टिव से होने के कारण इसकी आयु कम होती जाती है। तो इसका जो अर्धायु काल है ये 12.3 वर्ष है, यानी इसका जो आधा से है 12.3 वर्ष के अंदर हो जाता है। और ट्राइटियम भी एक द्विपरमाणु कणु है, और जो ट्राइटियम है इसको लिथियम पर मंद न्यूट्रॉनों के प्रहार से बनाया जाता है। लिथियम में इसका परमाणु क्रमांक तीन और जो परमाणु भार है ये छः, यानी 3Li6 से इसे प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो हम न्यूट्रॉन का जो जो प्रहार कराएंगे तो इससे
वन एस थ्री प्लस टू एच ई फोर, यानी एक हीलियम का परमाणु और एक ट्राइटियम प्राप्त होता है। और जो इसके ट्राइटियम के निर्माण की विधि है इसे हम गेल डेबर विधि कहते हैं। और जो ट्राइटियम का जो उपयोग होता है, ये जो भूमिगत जल होता है उसका पता लगाने के लिए ये इसको ट्रेसर के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब हम हाइड्रोजन के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अधिशोषित हाइड्रोजन। कुछ धातुएं जैसे निकल, पेलेडियम और पीटी, ओरम आदि की सतह पर हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में अधिशोषित होती है, और इसे अधिशोषित या अधिशोषित हाइड्रोजन कहते हैं। यानी इन जो ये दो जो धातुएं हैं, इनकी सतह से ये अधिशोषित होती है हाइड्रोजन, इसलिए इन्हें अधिशोषित हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा जो हाइड्रोजन का प्रकार है, परमाणविक हाइड्रोजन। यानी जो आणविक हाइड्रोजन होता है H2, इसके उच्च ताप तथा निम्न ताप पर इसका हम तापीय विघटन कराते हैं तो परमाणु हाइड्रोजन बनती है। जो परमाणु हाइड्रोजन है यह डाई हाइड्रोजन को विद्युत आर्क में प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। यह जो H2 अणु है इसको हम उच्च ताप और निम्न दाब पर विद्युत आर्क पर प्रवाहित करते हैं तो यह दो हाइड्रोजन परमाणुओं में विघटित हो जाती है। और जो इसके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है ये +4.36 किलो जूल प्रति मोल होता है। और यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, क्योंकि हम H2 अणु को ऊष्मा देते हैं तो इसके जो अणु है दो दो, दो परमाणुओं में विभक्त हो जाता है तथा जो ऊष्मा है परमाणु में संचित होती है। इस प्रकार से यह ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। तीसरा है नवजात हाइड्रोजन। अभिकर्मकों के सहयोग के क्षण पर उत्पन्न हाइड्रोजन को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। कई बार हम जो अभिक्रिया कराते हैं तो उनमें हाइड्रोजन के जो परमाणु ये अलग होते हैं, तो इस प्रकार के हम हाइड्रोजन को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। और इनकी ऊर्जा अत्यंत उच्च होती है, यानी अस्थायी होते हैं, अतः ये अधिक क्रियाशील और प्रबल अपचायी के रूप में कार्य करते हैं, और ये तुरंत अभिक्रिया करके स्थायी हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा के अंदर कमी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में, कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो हाइड्रोजन का जो अणु होता है उसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे और वो दोनों सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये विपरीत चक्रण में होंगे। यानी अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे। प्रत्येक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही अपने अक्ष पर अक्ष के सापेक्ष चक्रण करते हैं। यानी जो परमाणु होगा हाइड्रोजन का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, ये दोनों खुद के अक्ष पर चक्रण करेंगे। जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में सहयोग करके एक अणु बनाते, तो इनका जो चक्रण है या तो समान दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकता है। तो प्रोटॉन के चक्रण के आधार पर हाइड्रोजन दो प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले है ऑर्थो हाइड्रोजन। जब प्रोटॉन या नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में हो तो इस प्रकार के हाइड्रोजन को हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि एक H2 अणु है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण तो विपरीत होंगे ही, साथ ही साथ अगर प्रोटॉन का जो अपने अक्ष के ऊपर जो चक्रण है अगर ये समान दिशा में हो तो इस प्रकार के हम हाइड्रोजन को हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। दूसरा है पैरा हाइड्रोजन। जब प्रोटॉन या नाभिक का चक्रण विपरीत दिशा में हो तो इस प्रकार के हम हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। यानी दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, साथ ही साथ जो प्रोटॉन है या हम कह सकते हैं कि जो नाभिक का चक्रण है ये भी एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस प्रकार के हम हाइड्रोजन को हम पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। और कमरे के तार पर जो हाइड्रोजन में 75% तो ऑर्थो हाइड्रोजन और 25% पैरा हाइड्रोजन होता है, यानी एक तिहाई भाग सॉरी एक चौथाई भाग तो पैरा हाइड्रोजन का और तीन चौथाई भाग ऑर्थो हाइड्रोजन का होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ताप कम करते हैं तो ऑर्थो जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिशत कम होता जाता है और पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता जाता है। और जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हमें शुद्ध यानी 100% पैरा हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब है ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन में अंतर। जो ऑर्थो पैरा रूप की तुलना के अंदर अधिक स्थायी होता है, यानी जो ऑर्थो स्थिति है ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ये पैरा हाइड्रोजन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और ऑर्थो रूप की चालकता है ये पैरा के जो रूप में जो हाइड्रोजन होता है इसकी तुलना में कम होती है, यानी कि जो पैरा की जो चालकता है ये अधिक होगी। तीसरा है ऑर्थो रूप का जो चुंबकीय आघूर्ण है ये प्रोटोन की तुलना में दुगुना होता है, क्योंकि ऑर्थो के अंदर जो प्रोटोन या हम कह सकते हैं जो नाभिक नाभिक का जो चक्रण है ये समान दिशा में होने के कारण दुगुना, जबकि पैरा है पैरा के अंदर विपरीत
चक्रण होने के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ये शून्य होगा। अब हम हाइड्रोजन निर्माण की विधि के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार हाइड्रोजन का विघटन किया जाता है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का जो औद्योगिक निर्माण है कि औद्योगिक रूप से किस प्रकार से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है, इनमें सबसे पहले जल के विद्युत अपघटन द्वारा। जो आसुत जल है यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसका पीएच जो सेवन होता है जिसपे न तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है न सारी है, तो इसमें हम कुछ मात्रा के अंदर अम्ल मिलाते हैं जिससे कि जो जल है ये एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में विभक्त हो जाता है और इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। तो कैथोड पर तो दो आयतन हाइड्रोजन तथा एनोड पर एक आयतन ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। जैसे ही हम आसू जल के अंदर अम्ल मिलाएंगे तो जो जल है ये एच प्लस और ओ एच माइनस आयनों में टूट जाएगा, तो फोर ओ एच माइनस है ये, फोर ओ एच प्लस चार इलेक्ट्रॉन दागने पर जो चार ओ एच माइनस है ये चार ओ एच प्लस चार इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, और जो चार ओ एच है ये टू एच टू ओ प्लस ओ टू, यानी एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी एक आयतन ऑक्सीजन, और जो ये यहाँ से जो चार इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये फोर एच प्लस इस पे जुड़ेंगे तो टू एच टू, यानी दो आयतन हाइड्रोजन के बनेंगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन का विघटन होता है। और जो ये विधि है ये सबसे प्रमुख विधि है हाइड्रोजन निर्माण की, और औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन प्राप्त करने की है सबसे प्रमुख विधि है। और इस प्रकार से हम औद्योगिक स्तर पर जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति करते हैं। दूसरी जो औद्योगिक स्तर पर जो हाइड्रोजन निर्माण की विधि है यह है रक्त तप्त लोहे पर भाप अंगार गैस प्रवाहित करने से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और लोहे का मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है। जो लोहा है इस पर फोर एस टू की अभिक्रिया होगी तो एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एस टू, यह ऑक्सीकरण प्रावस्था होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है। और जब इस पर भाप अंगार गैस का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एस टू, इसको हम सम्मिलित रूप से भाप अंगार गैस कहते हैं। अब भाप अंगार गैस प्रवाहित करने पर आयरन जो ऑक्साइड है ये अपचित होकर वापस लोहा बन जाता है, यानी ये अपचयन प्रक्रम प्रारंभ होता है। एफ थ्री ओ फोर है प्लस फोर सी ओ, यानी थ्री एफ ई प्लस फोर सी ओ टू, और एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एस टू यानी थ्री एफ ई प्लस फोर एस टू, यानी वापस लोहा प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर यह एस टू गैस हमें प्राप्त होती है। तीसरा जो हाइड्रोजन प्राप्त करने का तरीका है औद्योगिक स्तर पर है भाप अंगार गैस से। जब हम उस ताप पर लाल दहकते कोयलों पर जल की भाप को प्रवाहित करते हैं तो भाप अंगार गैस प्रवाहित होती है, यानी ये जो कोयला कोयले को हम कार्बन से प्रदर्शित करते हैं इस पर हम जो भाप जल की भाप प्रवाहित करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है ये भाप के रूप में होगा, और इससे हमें भाप अंगार गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच टू प्राप्त होगा, और इस प्रकार से हमें जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और इस प्रकार से भाप अंगार गैस में से हम कार्बन ऑक्साइड को पृथक करके हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। चौथा जो हाइड्रोजन प्राप्त करने का औद्योगिक स्तर पर तरीका है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन पर उच्च ताप व निकल उत्प्रेरक के उपयोग से हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जैसे हाइड्रोकार्बन मेथेन लेते हैं हम सी एच फोर, इस पर हम जल के साथ उच्च ताप पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और थ्री एच टू यानी तीन आयतन हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और उसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन है, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है सी सिक्स एच ट्वेल्व, इस पर हम प्लेटिनम और एल टू ओ थ्री की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी उच्च तापमान पर और 10 से 50 एटमोस्फियर वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन प्लस तीन आयतन हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और धातुओं पर अम्लों की अभिक्रिया द्वारा, यानी वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो डाइहाइड्रोजन मुक्त करती है, यानी जो जो धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है जो अभिक्रियाशील होती है रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जैसे लिथियम है सोडियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम, इसी प्रकार एल जेडन एफ ई एसन आदि है, जो इनकी अभिक्रिया कराएंगे अम्लों के साथ तो डाइहाइड्रोजन मुक्त होती है। जैसे एफ ई प्लस टू एस सी एल तो एफ ई सी एल टू प्लस एस टू एन डाइहाइड्रोजन मुक्त होती है। उसी प्रकार जो एम जी है उसकी हम नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एम जी एन ओ थ्री का ट्वाइस प्लस डाइहाइड्रोजन प्राप्त होती है। धातुओं पर क्षारकीय अभिक्रिया उभयधर्मी प्रकृति की धातुएं, उभयधर्मी प्रकृति की यानी जिंक है एल्यूमिनियम है
लेड है, टिन आर्सेनिक है, SB है आदि, सारक से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जिंक है, इसकी हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Na2ZnO2 प्लस डाइहाइड्रोजन प्राप्त होती है। और इसी प्रकार सक्रिय धातुओं पर जल की अभिक्रिया ठंडे जल से, इसमें सबसे पहले सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये कमरे के ताप पर भी जल से भी अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये अत्यधिक सक्रिय आता है, ये कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है, वो भी ठंडे जल से। और जब हम गर्म जल से करते हैं तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम आदि धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे Mg+2H2O, MgOH2+H2, इस प्रकार से डाइहाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण। इनमें सबसे पहले डाइहाइड्रोजन है, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है तथा जल में अल्प विलेय होती है। दूसरा इसका भौतिक गुणधर्म है, यह ज्वलनशील तथा कम क्रियाशील गैस है परंतु जलने में सहायक नहीं होती है। और डाइहाइड्रोजन ज्ञात तत्वों में सबसे हल्की गैस है तथा यह वायु से हल्की होती है। इसका जो घनत्व है वायु की अपेक्षा 0.0695 होता है और इसका जो घनत्व है 0.08987 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। वायु की अपेक्षा तो इसका जो घनत्व है यह 0.0695 है, जबकि इसका स्वयं का घनत्व है जो 0.08987 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। यह कुछ धातु जैसे फेरस है, ओरम है, पीटी है, पीडी है आदि द्वारा अधिशोषित होती है। और इस प्रकार से हम जो हाइड्रोजन अधिशोषित होती है इसे हम अधिशोषित हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसका जो क्रांतिक ताप है यह बहुत कम, यानी -236.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी अत्यंत कम ताप पर इसका जो क्रांतिक ताप प्राप्त होता है। और इसका जो गलनांक 13.96 केल्विन और जो क्वथनांक है 20.4 केल्विन, यानी बहुत कम प्राप्त होता है, जो दुर्बल अंतरणविक आकर्षण को दर्शाता है कि इसके जो अंतरणविक आकर्षण बल है ये अत्यंत कम होते हैं। और द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक द्रव के रूप में किया जाता है। अब हम डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैं सबसे पहले धातुओं से डाइहाइड्रोजन की अभिक्रिया, जिसमें सक्रिय धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम आदि हाइड्रोजन से सहयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे हम अभिक्रिया देखते हैं, Li+H2 LiH यानी लिथियम का हाइड्राइड बनेगा, Ca+H2 CH2, इसी प्रकार 2Na+H2 2NaH यानी जो धातुक हाइड्राइड प्राप्त होते हैं धातु की अभिक्रिया पर। और जब ये हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये पुनः हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। LiH है, इसकी हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्राइड, इसकी हम जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस दो आयतन डाइहाइड्रोजन प्राप्त होंगे। फिर है डाइहाइड्रोजन की अधातु से अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके जल बनाती है। अगर 673 केल्विन से कम ताप पर ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का सहयोग बहुत मंद गति से होता है, लेकिन जब हम तापमान 873 केल्विन से अगर ज़्यादा कर दें तो ये अभिक्रिया की दर है ये बढ़ जाएगी। और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है ये अत्यंत तीव्र विस्फोट के साथ जलता है। इसकी अभिक्रिया देखें तो हम 2H2+O2 यानी 2H2O+ ऊष्मा, यानी ये एक प्रकार का ऊष्माशेपी अभिक्रिया है। दूसरी इसके अंदर है हेलोजन तत्वों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन जो F2 है यानी फ्लोरीन है, इसके साथ तो अंधेरे में ही कमरे के ताप पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, यानी H2+F2 2HF। फिर हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ ये कमरे के ताप पर लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर HCl का निर्माण करता है, यानी H2+Cl2 2HCl। फिर तीसरा हाइड्रोजन है ये Br2 के साथ गर्म करने पर HBr बनाता है, H2+Br2 2HBr। और जो हाइड्रोजन है इसमें हेलोजन का जो चौथा यानी आयोडीन के साथ हम कराते हैं अभिक्रिया, तो ये प्लेटिनम सर्पिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें HI प्राप्त होगा। और ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है तथा उत्क्रमणीय भी होती है। उत्क्रमणीय का अर्थ है हम इसे उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हैं, यानी H2+I2 2HI। हेलोजन के अंदर सबसे पहले हमने फ्लोरीन देखा जो अंधेरे के अंदर भी कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। फिर देखा हमने क्लोरीन जो कि सूर्य के प्रकाश के अंदर कमरे के ताप पर अभिक्रिया करता है। तीसरा ब्रोमीन था
जिसे हम ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन को गर्म करने पर HBr प्राप्त होता है। फिर है I2, जो कि प्लेटिनम सर्पिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर HI प्राप्त होता है। अब है अधातुओं के साथ अभिक्रिया में नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। उच्च ताप तथा उच्च दाब पर लोह चूर्ण तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनती है, यानी N2+3H2। 200 एटमोस्फियर दाब और 723 केल्विन ताप पर फेरस या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है और ऊष्मा निष्कासित होती है। अधातु की अभिक्रिया के अंदर चौथी है सल्फर के साथ अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन या सल्फर के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है, H2+S H2S। अब डाईहाइड्रोजन के रासायनिक गुणों के अंदर तीसरा है हाइड्रोजनीकरण। जब निकल चूर्ण की उपस्थिति में तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर वनस्पति घी में बदला जाता है तो इसे हम वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी कि जो वनस्पति जो तेल होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इनकी इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकल चूर्ण की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन में बदलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एथीन है, जिसकी हम हाइड्रोजन से डाईहाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है, और उसी प्रकार जो एथाइन है इसकी हम दो आयतन डाईहाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो एथेन प्राप्त होगा। इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। चौथा जो इसका रासायनिक गुण हम देखते हैं तो लिटमस पर अभिक्रिया कराते हैं। लिटमस पर क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन से भरी परख नली में हम गीले लाल या नीले लिटमस पत्र पर डालने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः यह लिटमस के प्रति उदासीन होती है। फिर इसका अपचायक गुण, हाइड्रोजन बहुत से धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन कर देती है। गर्म तांबे ऑक्साइड पर H2 प्रवाहित करने से ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है और कॉपर प्राप्त होता है। जो कॉपर ऑक्साइड है उस पर हम H2 प्रवाहित करेंगे तो Cu+H2O, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कर देता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड की H2 पर क्रिया कराने पर Cu+H2O प्राप्त होता है, अतः कैल्शियम ऑक्साइड का अपचयन होता है। इस प्रकार ये अपने अपचायक गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें अब इसका जो छठा रासायनिक गुणधर्म है ये इस प्रकार है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है या जिंक ऑक्साइड और तांबे के कणों की उपस्थिति में संयुक्त होकर मेथिल एल्कोहल बनाते हैं, यानी एक प्रकार से हम देखें तो एल्कोहल के विरचन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके ऊपर हम जब हम डाई हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ये मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। अगला जो हमारा जो टॉपिक है ये है हाइड्रोजन के उपयोग, जिसमें सबसे पहले वनस्पति घी के निर्माण में, यानी वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए डाईहाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में डाईहाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उबलते हुए तिल या मूंगफली के तेल में अगर हम निकल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे तो तेल ही घी के रूप में प्राप्त होता है, और इस प्रक्रम को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। दूसरा इसके अंदर इसका उपयोग है, बहुत हल्के होने के कारण वायुमंडल के परीक्षण के लिए छोड़े जाने वाले जो गुब्बारे होते हैं इनमें हाइड्रोजन भरी जाती है, परंतु आजकल हाइड्रोजन के स्थान पर ऐसे गुब्बारे हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का अज्वलनशील मिश्रण प्रयुक्त होने लगा है, क्योंकि इसमें आग नहीं लगती है। दुर्घटनाओं की कमी करने के लिए जो हाइड्रोजन और हीलियम है इसके गुब्बारे आजकल प्रयुक्त होने लगे हैं, और इसका उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में होता है, जिसका हम उपयोग है जो वेल्डिंग के अंदर करते हैं। अमोनिया, मेथिल एल्कोहल आदि के निर्माण के लिए भी डाई हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले रिएक्शन में देखा था। और यह गैस है यह पत्थर के कोयले से पेट्रोल निर्माण के उपयोग में भी काम आती है, और धात्विक हाइड्राइड SCL के निर्माण में, और अंतरिक्ष अनुसंधान के रॉकेट के रूप में भी इस हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन की पहचान, यानी हाइड्रोजन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन या वायु की में कठिनाई से देखने वाली हल्की नीले रंग की लौ से जलती है, यानी जो हाइड्रोजन है इसे हम जब हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हल्के नीले रंग की लौ से जलेगी, और इसके जलने से केवल जल बनता है, और यही हाइड्रोजन का परीक्षण है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अब अपने अगले वीडियो के अंदर हम
जल, हाइड्रोजन परोक्साइड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।